ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम रे भाग नेब भारत। अमेरिका रे 5 दिन धरी अनुष्ठित हेबाक थिबा ए संपर्कित बैठक रे जोगदेबे भारतीय प्रतिनिधि दल। एहार नेतृत्व नेबे केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह। स्वच्छ शक्ति तथा इंधन पई मोदी सरकार नेथिबा पदक्षेप संपर्क रे समस्त तथ्य उपस्थापन करिवे भारतीय टीम। एथि पई केंद्र मंत्री को नेतृत्व रे प्रतिनिधि दल आज अमेरिका यात्रा करछन्ते। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ही है और हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट को लेकर के, पर्यावरण वातावरण में होने वाली चुनौतियों को लेकर के भारत का पक्ष बड़ी स्पष्टता से रखा था और बेबाक होकर रखा, और उसका नतीजा ये है कि आज सारा विश्व भारत की ओर देखता है क्लाइमेट कंसर्न्स को लेकर के। आपको स्मरण होगा कि जो उस समय जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुई, कॉप इत्यादि, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने ये बार बार आग्रह किया कि ना केवल किसी देश विशेष बल्कि विश्व और मानवता के हित में ये हम सबको मिलजुल करके संयुक्त रूप से बिना किसी और मुद्दे को या बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। और ये प्रधानमंत्री जी के ही 8-9 वर्ष के कार्यकाल में संभव हुआ कि भारत ने 2-3 बड़े निर्णायक कदम भी उठाए और दुनिया के आगे अपना पक्ष रखा। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि हमारी 2030 ईस्वी तक 500 गीगावाट अल्टरनेट एनर्जी इजाद होनी शुरू हो जाएगी और लगभग 50% जो क्लीन एनर्जी है उसके माध्यम से ही हमारा ऊर्जा का स्रोत रहेगा और फिर 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ही है और हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट को लेकर के, पर्यावरण वातावरण में होने वाली चुनौतियों को लेकर के भारत का पक्ष बड़ी स्पष्टता से रखा था और बेबाक होकर रखा, और उसका नतीजा ये है कि आज सारा विश्व भारत की ओर देखता है क्लाइमेट कंसर्न्स को लेकर के। आपको स्मरण होगा कि जो उस समय जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुई, कॉप इत्यादि, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने ये बार बार आग्रह किया कि ना केवल किसी देश विशेष बल्कि विश्व और मानवता के हित में ये हम सबको मिलजुल करके संयुक्त रूप से बिना किसी और मुद्दे को या बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। और ये प्रधानमंत्री जी के ही 8-9 वर्ष के कार्यकाल में संभव हुआ कि भारत ने 2-3 बड़े निर्णायक कदम भी उठाए और दुनिया के आगे अपना पक्ष रखा। उदाहरण के तौर पर यह कहा गया कि हमारी 2030 ईस्वी तक 500 गीगावाट अल्टरनेट एनर्जी इजाद होनी शुरू हो जाएगी और लगभग 50% जो क्लीन एनर्जी है उसके माध्यम से ही हमारा ऊर्जा का स्रोत रहेगा और फिर 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे।